रिंकी, सोनू का ध्यान रखना और दोपहर को राजू के स्कूल से आने पर उसे खाना भी परोस देना। लेकिन माँ, आज तो मेरे स्कूल में परीक्षा है, क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी? नहीं, सोनू का ध्यान कौन रखेगा? सोनम, रिंकी स्कूल क्यों नहीं आ रही? वह ठीक तो है ना? रिंकी का भाई तो स्कूल आया है। टीचर जी, वह घर रहकर अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है और घर का काम करती है। पर यह तो उसके पढ़ने की उम्र है और वह तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसे अपने घर में समझाना चाहिए, उसे ऐसे परीक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। वह पढ़ना चाहती है पर उसकी माँ काम पर जाती है और उसे घर का काम करने को कहती है। इसके कई हल हो सकते हैं, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। नमस्ते टीचर जी, आज कैसे आना हुआ? क्या राजू ने स्कूल में कोई शरारत की? नहीं, मैं यहाँ तुमसे रिंकी के बारे में बात करने आई हूँ। वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही और आज तो परीक्षा देने भी नहीं आई, ऐसा क्यों? टीचर जी, बहुत परेशानी है, मैं काम करने जाती हूँ और सोनू छोटा भी है और अकेले घर नहीं रह सकता, इसलिए रिंकी को घर रहने को कहा है। लेकिन रिंकी की उम्र पढ़ने की है और वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती है और तुम्हारा नाम रोशन कर सकती है। रिंकी को भी राजू की तरह पढ़ने का अधिकार है, वह भी भविष्य में तुम्हारी आर्थिक रूप से मदद कर सकती है। और जहाँ तक सोनू के ध्यान रखने की बात है तो तुम उसे आंगनवाड़ी में भेज सकती हो। जानती हो, मैं भी अपने घर में अकेली लड़की थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और पढ़ने को कहा, इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और देखिए आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आप सही कह रही हैं, मुझे यह सब समझाने के लिए धन्यवाद। अब मैं ध्यान रखूंगी कि रिंकी भी पढ़े और आगे बढ़े। ध्यान से जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। रिंकी, सोनू का ध्यान रखना और दोपहर को राजू के स्कूल से आने पर उसे खाना भी परोस देना। लेकिन माँ, आज तो मेरे स्कूल में परीक्षा है, क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी? नहीं, सोनू का ध्यान कौन रखेगा? सोनम, रिंकी स्कूल क्यों नहीं आ रही? वह ठीक तो है ना? रिंकी का भाई तो स्कूल आया है। टीचर जी, वह घर रहकर अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है और घर का काम करती है। पर यह तो उसके पढ़ने की उम्र है और वह तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसे अपने घर में समझाना चाहिए, उसे ऐसे परीक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। वह पढ़ना चाहती है पर उसकी माँ काम पर जाती है और उसे घर का काम करने को कहती है। इसके कई हल हो सकते हैं, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। नमस्ते टीचर जी, आज कैसे आना हुआ? क्या राजू ने स्कूल में कोई शरारत की? नहीं, मैं यहाँ तुमसे रिंकी के बारे में बात करने आई हूँ। वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही और आज तो परीक्षा देने भी नहीं आई, ऐसा क्यों? टीचर जी, बहुत परेशानी है, मैं काम करने जाती हूँ और सोनू छोटा भी है और अकेले घर नहीं रह सकता, इसलिए रिंकी को घर रहने को कहा है। लेकिन रिंकी की उम्र पढ़ने की है और वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती है और तुम्हारा नाम रोशन कर सकती है। रिंकी को भी राजू की तरह पढ़ने का अधिकार है, वह भी भविष्य में तुम्हारी आर्थिक रूप से मदद कर सकती है। और जहाँ तक सोनू के ध्यान रखने की बात है तो तुम उसे आंगनवाड़ी में भेज सकती हो। जानती हो, मैं भी अपने घर में अकेली लड़की थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और पढ़ने को कहा, इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और देखिए आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आप सही कह रही हैं, मुझे यह सब समझाने के लिए धन्यवाद। अब मैं ध्यान रखूंगी कि रिंकी भी पढ़े और आगे बढ़े। ध्यान से जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना।